Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Mr. Mohammed Javed, Mr. P. V. Murthy, Mr. Sriram, can you hear me? Awaaz aa rahi hai? Please reply. 650 बहुत अच्छा सपोर्ट है मिस्टर धीरज, 650 बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए मैंने वेट किया है. आई थिंक मुझे लग रहा है ये वापस 710 720 के आसपास एक्सपायरी होगा. ठीक है, ये खाली पैनिक करवाया और कुछ है नहीं बॉटम में. इनफैक्ट मैं आपको अभी मेरा ट्रेड दिखाता हूँ. मैंने अभी जस्ट, यू कैन सी माई स्क्रीन, मैंने अभी जस्ट ये वाला पुट बेचा था मैंने 26 रुपए में. 17,650 का पुट दिख रहा है आपको मिस्टर अंसर? दिख रहा है 17,650 का पुट 26 रुपए में बेचा और 13 रुपए में स्क्वायर ऑफ किया. 6 मिनट का ट्रेड है, 6 मिनट का ट्रेड है. 500 क्वांटिटी है, 500 भी नहीं, सॉरी 1000 क्वांटिटी है, 500 भी नहीं है, 1000 क्वांटिटी है. 6 मिनट का ट्रेड है, 1000 क्वांटिटी सेल किया था 26 में, 13 में स्क्वायर ऑफ किया है. यू कैन सी मेरा पी एन एल, ये आज का मेरा पी एन एल है. इसमें 25,000 प्लस है, रिफ्रेश कर देता हूँ, और इसमें 26 प्लस है. इसमें भी सेम मैंने ट्रेड किया है. इनफैक्ट मैंने इसमें तो फ्यूचर भी शॉर्ट किया था 770 के आसपास, इसमें तो मैंने फ्यूचर भी शॉर्ट किया था. ठीक है, 20K नहीं है मिस्टर आंसर, 10,000 के आसपास था. और अभी अगर ये 17,710 के आसपास आता है ना, तो फिर काफी लॉस का कवर हो जाएगा. इट विल बी अराउंड 10K लॉस, 20K नहीं. करंट एमटीएम के हिसाब से आप बोल रहे हो क्या? करंट एमटीएम कितना चल रहा है? व्हाट इज द लॉस इन 17,750 पुट? पहले वाली स्ट्रेटजी में क्या लॉस था? वन बाय वन मुझे मैसेज करो, पहली वाली स्ट्रेटजी में क्या लॉस था? ठीक है, उसके बाद आज जो सुबह स्क्वायर ऑफ किया उसमें कितना लॉस था? आज जो स्क्वायर ऑफ किया उसमें कितना लॉस था? आज जो सुबह स्क्वायर ऑफ किया उसमें कितना एमटीएम था? मिस्टर धीरज, मिस्टर आंसर, आज आज जो सुबह स्क्वायर ऑफ किया 18,000 वाला, यस 18,000 वाला और 17,800 का ये सुबह वाले में. एक मिनट मिस्टर सचिन, हमारा ओपन पोजीशन है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको मैं रिप्लाई करता हूँ. पहले जो ओपन पोजीशन है पहले वो डिस्कस कर ले दो. ठीक है, हाँ मिस्टर बिलाल, वही एक ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है. क्वेश्चन ठीक है, एमटीएम कितना है अभी? अभी एमटीएम कितना है वो मुझे बताओ. व्हाट इज द एमटीएम नाउ? मॉर्निंग वाले में 11,500 था सबसे पहले वाले में, उसके बाद आज मॉर्निंग में कितना हुआ था? आज मॉर्निंग वाले में 6K था. ठीक है, और अभी ओपन पोजीशन में कितना एमटीएम है? अभी ओपन पोजीशन में कितना एमटीएम है? ठीक है, और ये बाकी स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट भी बुक किया होगा ना? बाकी स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट भी बुक किया होगा कॉल में, 17,650 के पुट में, करेक्ट? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, 17,700 के आसपास अगर आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या पीएनएल होगा? जस्ट टेल मी दैट, तो क्या पीएनएल होगा? सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास आता है तो देन व्हाट विल बी आवर पीएनएल? तो सब मिला के प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ मत करो, 17,700 आएगा ये, मेरे हिसाब से कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है. 17,720 तक आएगा ये, ठीक है, मेरे हिसाब से 17,720 तक आएगा, 17,720 तक आएगा. ठीक है, लेकिन टोटल 11,000 माइनस जो हुआ है वो कवर नहीं होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, 11,000 माइनस है वो दूसरा ट्रेड में हम लोग कवर करेंगे.
11,000 माइनस है, वो दूसरे ट्रेड में हम लोग कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मिस्टर बिलाल, आपका कितना है? अगर 17,700 के आसपास आता है तो आपका कितना एमटीएम होगा? 17,710, 17,720 के आसपास फेर ऑफ करना है। मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट वन मिनट। स्क्वायर ऑफ निफ्टी स्ट्रैटेजी, इफ निफ्टी स्पॉट लेवल कम्स अराउंड 17,710, 17,720। मैंने मैसेज किया, मैसेज मिला है क्या? चेक कर लो जरा, मैसेज मिला है क्या? चेक कर लो जरा, 710, 720 के आसपास आता है तभी स्क्वायर ऑफ करना है। यस, तब तक होल्ड है। यस ठीक है, तब तक होल्ड है। आएगा ये मिस्टर आंसर, आएगा ये, क्योंकि ये जो एरिया नहीं है बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए मैंने 1000 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया था। ये देखो बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, तो ये क्लोजिंग के टाइम आएगा, 700 के आसपास आना ही आना है इसको। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, येस और नो? बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि बैंक निफ्टी को कोई भी शॉर्ट मत करना कोई भी हालत में। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं ना मिस्टर सचिन, आपका इंटरनेट चेक कर लो, मेरा वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, इंटरनेट चेक कर लो आपका एक बार। बैंक निफ्टी का नया स्ट्रैटेजी लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास मार्जिन है, और जिसके पास मार्जिन नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर बिलाल, तो आपको फिर मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, पर्सनली मैं आपको ट्रेड दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो भी है विल ट्राई के 17,710-20 के आसपास आता है तब एग्जिट करेंगे, ठीक है, ताकि मिनिमम लॉस हो, मिनिमम डैमेज हो। तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी 13th को है ना, राइट? नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कब है? 13th को है, फिर 14th, 15th को हॉलिडे, तो 13th को हम लोग वीकेंड वाला भी स्ट्रैटेजी लेंगे। 13th को हम लोग वीकेंड वाला स्ट्रैटेजी भी लेंगे, वीकेंड वाला, पता है ना वीकेंड वाला स्ट्रैटेजी? कितने लोग को याद है? यस, ऑप्शंस लेवल 2 में सिखा हुआ है वीकेंड स्ट्रैटेजी, वो 13 तारीख को लेना है, याद दिलाना, मुझे रिमाइंडर करना, 13 तारीख को हम लोग लेंगे वो स्ट्रैटेजी, वीकेंड वाला स्ट्रैटेजी। मिस्टर बिलाल, आपने मुझे 1.2 तो कल ही बताया था, 1.2 तो आपने मुझे कल ही बताया है मिस्टर बिलाल। हाँ अभी यूज हो रहा है ना, हाँ ठीक है यूज हो रहा है, तो अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्जिन भी तो रिलीज होगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्जिन भी रिलीज होगा, राइट? वेट करो, वेट करो, 17,700 आएगा तो इतना लॉस नहीं होगा, 50 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए हमें ऊपर की तरफ, 50 पॉइंट का ही मूवमेंट चाहिए। वीकेंड स्ट्रैटेजी मिस्टर सचिन, ये ऑप्शंस लेवल 2 में कवर है, जो कि हम लोग करते हैं जब छुट्टी होता है तब करते हैं। फायर्स में तो आज कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, फायर्स का तो एमटीएम यही नहीं हो रहा है, रेट ही रिफ्रेश नहीं हो रहा है। हमें खाली 50 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट चाहिए, 50 पॉइंट का, मेरे हिसाब से 17,700 के आसपास कहीं पे एक्सपायरी होना चाहिए। लेट्स सी कहां पर एक्सपायरी होता है वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया।
वेट वेट, स्क्रीन विजिबल है ना? मेरा स्क्रीन नहीं है विजिबल, अलाइज ब्लू का स्क्रीन खोला हुआ है सर पीवी मूर्ति। अच्छा, जो कैश सेगमेंट का ट्रेड दिया था इसमें भी प्रॉफिट आया होगा, चेक कर लो। एलटीआई शॉर्ट दिया था, बीएल बाई दिया था, ये दोनों में प्रॉफिट आया होगा थोड़ा थोड़ा, यस और नो? एलटीआई और ये बीएल दोनों में प्रॉफिट आया होगा, चेक कर लो जरा। सॉरी, चेक कर लो जरा। कैन यू हियर मी प्लीज रिप्लाई, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? अच्छा, इंट्राडे जो ट्रेड दिया था उसमें दोनों में प्रॉफिट आया होगा, एलटीआई और इसमें, यस और नो? दोनों में प्रॉफिट आया होगा, चेक कर लो जरा। बीएल में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा क्योंकि हम लोगों ने 233 के आसपास बाई किया था। करेक्ट। एसबीआई भी प्रॉफिट आ गया ना, एसबीआई भी ऊपर गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। थोड़ा सा आज पैनिक क्रिएट किया है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखो ना निफ्टी का, तो ये बैंक निफ्टी का, चलो बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा एक लर्निंग पॉइंट देखते हैं। जब ये दो कैंडल फॉर्म हुआ था ना, याद है? ये दो कैंडल में हमें एमटीएम लगना चालू हुआ था, याद है? याद होगा, करेक्ट? नॉर्मली क्या होता है, 99% ऑफ द टाइम्स ये एक रिट्रेसमेंट देता है और उसके बाद ऊपर जाता है। हैव यू सीन दिस, यस और नो? 99% ऑफ द टाइम ये होता है, ठीक है? सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज बुलिश एक्सपायरी होगा, पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी होगा, या फिर एटलीस्ट 38,000 के आसपास एक्सपायरी होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में 17,750 17,760 का टारगेट भी दिया था, अगर आपको याद है। निफ्टी का मैंने आपको टारगेट भी दिया था 17,770, करेक्ट? तो वो टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक्सपायरी मैनिपुलेशन हुआ है उसमें इन लोगों ने बैंक निफ्टी को भी नीचे कर दिया, निफ्टी को भी नीचे कर दिया, ठीक है? अब मेरे डेटा हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से 17,700 के आसपास कहीं पे एक्सपायरी होगा तो ये वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। तो अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो ये 17,700 के आसपास एक्सपायरी होगा, और अगर लेट से डाउनफॉल होना है या साइडवेज है तो फिर ये 17,700 टच नहीं करेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, मेरे हिसाब से 17,700 के आसपास कहीं पे एक्सपायरी होगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू टेक फर्दर ट्रेड। बाकी का ट्रेड लेने के लिए हमें इजी रहेगा। तो यहां से 50-60 पॉइंट का ऊपर की तरफ निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, 37,750 के आसपास तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, ये लग रहा है मुझे। तो वेट करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं। बैंक निफ्टी यहां से नीचे नहीं लगता है, बैंक निफ्टी यहां से 150-200 पॉइंट ऊपर लगता है, और निफ्टी भी रिकवर होना चाहिए। थोड़ा वेट करेंगे, स्टॉक्स हम लोग देखेंगे पर थोड़ा वेट करेंगे। ये थोड़ा आज मैनिपुलेशन किया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। 99% ऑफ द टाइम्स इस तरीके का मूवमेंट आता है, आज थोड़ा सा मैनिपुलेशन जैसा गेम बोल सकते हो आप, मैनिपुलेटेड एक्सपायरी आप बोल सकते हो। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से आना चाहिए ऊपर 750 तक, और ये 700 तक आना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स भी एक बार साइड बाय साइड चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स में भी क्या हो रहा है, स्टॉक्स भी चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल जो हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी रखते तो प्रॉफिट आ जाता, करेक्ट? वो थोड़ा सा क्या, 17,700-800 का हम लोगों ने स्ट्रैडल बनाया था, अगर आपको याद है, करेक्ट? वो 18,100 तक ब्रेक इवन कर गया था, इसलिए हम लोग ने चेंजेस किया था। सबको याद है, यस और नो?
स्टार्टिंग वाला जो स्ट्रेटेजी था निफ्टी का, अगर वो हम लोग रखते तो अभी तक प्रॉफिट में होते, फिर कुछ कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो अगर रखते तो प्रॉफिट में होते, कुछ चेंजेस। लेकिन ये वोलेटिलिटी इतना ज्यादा किया इन लोगों ने ना, 2 दिन में 18,100 से लेके 17,600 ला दिया। करेक्ट, दो दिन में 400 पॉइंट निफ्टी गिरा है, 2 दिन में। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट गिरा दिया हाई से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले स्टॉक्स हम लोग रेडार पर रख लेते हैं, कौन सा स्टॉक अभी स्कैनर में आ रहा है चेक करते हैं। ओ माय गॉड, क्या ब्रेकआउट आया है, बहुत जबरदस्त। ये बैंकिंग स्टॉक्स में इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट है और बैंक निफ्टी को इन लोगों ने नीचे करके रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में, बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स में क्या बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी ब्रेकआउट है, कैनफिन होम्स में भी ब्रेकआउट है, कैनफिन होम्स भी चेक करते हैं। और शॉर्ट में कोई ट्रेड है क्या, वो भी चेक करेंगे। शॉर्ट में बाटा इंडिया ट्रेड कर लें, ठीक है, बाटा इंडिया शॉर्ट में वो चेक कर लें। एक तो ये प्राइजेस अपडेट नहीं हो रहा है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा प्राइजेस क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, वो चेक करेंगे। प्राइजेस के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ रहा है, आ रहा है थोड़ा ऊपर तो आ रहा है, आना चाहिए मेरे हिसाब से ऊपर, क्योंकि सब लोग अभी पुट बाय करके बैठे हैं, सब लोग रिटेल ट्रेडर सब पुट बाय करके बैठे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि लास्ट पॉइंट पे 50 पॉइंट ऊपर खींच देगा ये। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, यस और नो? LTI क्लोज कर दिया है मैंने और BL क्लोज कर दिया है मैंने, ये मैं स्वरफ कर रहा हूँ। और ये स्टॉक्स रेडार पर आए, DCB बैंक के, लेकिन ये चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे हम। चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स एक्चुअली यही रिफ्रेश हो रहे हैं अभी तक तो। अरे हाँ ठीक है, चार्ट ओपन करवा दो बस, चार्ट ओपन हो जाए तो ईजी हो जाएगा। कैनफिन होम्स में ब्रेकआउट है, बाटा इंडिया शॉर्ट है, दो पीएम के बाद तो वैसे भी ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये फंसाता है, कहीं भी वोलेटिलिटी होता है। वो तो 2 PM के बाद तो कुछ भी होता है, एक्सपायरी डे के दिन आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, 2 PM के बाद कुछ भी होता है। ये नंबर ऑफ ट्रेड ही इतना ज्यादा आ गया है कि यहाँ पे रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है इसमें। चलो ठीक है, बाटा फ्रेश ब्रेकडाउन है, क्लियर ब्रेकडाउन है, 1950 तक इजीली लगता है बाटा, और बाटा में क्लियर ब्रेकडाउन है, और चेक करते हैं। ये नंबर ऑफ ट्रेड ही इतना है कि ये रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है, एक एक ट्रेड रिफ्रेश हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, DCB बैंक का चार्ट ओपन करो, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। देखो इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इसमें तो मतलब कुछ बड़ा न्यूज आया या आई थिंक कुछ न्यूज जैसा वॉल्यूम है। कैनफिन होम्स चेक कर लेते हैं, कैनफिन होम्स में भी ब्रेकआउट है। ये कुछ स्टॉक है रडार पर और इसमें हम लोग डेफिनेटली ट्रेड लेंगे, मैं आपको मैसेज करूंगा
लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मैं निफ्टी ऊपर आ जाए तो थोड़ा व्यू क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लूंगा। 3 बजे के बाद ट्रेड लेंगे चलेगा, बैंक निफ्टी आना चाहिए ऊपर मेरे हिसाब से। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर आना चाहिए मेरे हिसाब से, परफेक्ट पोजीशन है बैंक निफ्टी ऊपर आने के लिए। सेटिंग्स में जाके क्या करना है, बंद शो एग्जीक्यूशन, ये ठीक है बंद कर दिया शो एग्जीक्यूशन। ये देखो आना चालू हुआ बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी भी ऊपर आना चालू हुआ। जस्ट सी दिस, 40 पॉइंट और ऊपर चाहिए हमें, 40 टू 50 पॉइंट्स अप चाहिए, और बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 37,750 तक आना चाहिए। तो 125 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में आना चाहिए और 40 पॉइंट का रैली आई थिंक निफ्टी में आना चाहिए, 40 पॉइंट्स का। मैंने आज काफी स्कैल्पिंग भी काफी किया मैंने आज, क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा था ना, स्कैल्पिंग भी आज मैंने काफी ज्यादा किया आज। ये देखो मैं आपको एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड बताता हूँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, 13.38, 13.79, इसमें 9,000 रुपये प्रॉफिट आया। ये प्योर स्कैल्पिंग ट्रेड था, ये प्योर स्कैल्पिंग ट्रेड, 1,000 क्वांटिटी बाय 1,000 क्वांटिटी सेल, ऐसा ट्रेड है, मतलब हजार हजार करके स्कैल्पिंग किया हुआ है इसमें। तो आज स्कैल्पिंग थोड़ा ज्यादा किया था आज मैंने। तीन बजने दो, अभी 6 मिनट बाकी है, 3 बजने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे आज। तीन बजने के बाद ट्रेड लेंगे, 3 बजने दो। सर सचिन आपको साइकोलॉजी का जरूरत है उसमें, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में कवर किया है, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं सिखा सकता। तो सर सचिन, दिस इज अ साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह में सब कवर किया हुआ है। कब एग्जैक्टली पंच करना होता है ना ऑर्डर, एग्जैक्टली सब मैंने बताया हुआ उसमें। मिस्टर अंसर खलीफा, ये तो आपका फेवरेट पैटर्न बन गया ना मिस्टर अंसर, डीसीबी बैंक में फेवरेट पैटर्न बन गया आपका। यस मिस्टर देवेनिवार, इसमें बहुत सेल ऑफ है, इसमें भी सेल ऑफ बहुत ज्यादा है। बैंक निफ्टी में रैली आ रहा है लेकिन निफ्टी उतना सस्टेन नहीं कर रहा है। ये बाटा में यहाँ पे सपोर्ट है ना मिस्टर दिव्य निवार, इसलिए ट्रेड नहीं दे रहा हूं मैं। ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट है बाटा, मतलब 7-8 रुपए 10 रुपए का फॉल आएगा, उससे ज्यादा फॉल नहीं है बाटा में। ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मत करना है, यहाँ पे फंस सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे फंस सकते हो, फंसने का चांस है, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है, सब में आधे अधूरे पैटर्न बन रहे हैं, कंफर्मेशन ट्रेड नहीं है। आधा अधूरा पैटर्न ज्यादा है। बैंक निफ्टी में भी यार, बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी रैली सस्टेन ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी रैली सस्टेन नहीं हुआ है।
निफ्टी में भी बिल्कुल भी रैली सस्टेन नहीं हुआ, ये गैप के नीचे ट्रेड कर रहा है। वेट करते हैं थोड़ा, 3 बजे तक वेट करते हैं, पैटर्न तो सही नहीं है, रैली होना चाहिए बैंक निफ्टी में, हो रहा नहीं है, सस्टेन नहीं कर रहा है, आया भी रैली लेकिन सस्टेन नहीं किया है। ये कैंडल फॉर्म हो रहा है अभी तक, कैंडल पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे। बाटा तो हो गया काम, बाटा में कुछ नहीं करना है, कैनफिन होम्स देखेंगे और सेंचुरी टेक्सटाइल देखेंगे, ये दोनों में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा ये, या तो हम लोग को स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, अगर ये 630 625 का लेवल ब्रेक होगा ना तो, या तो वही करना पड़ेगा, रैली सस्टेन नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी रैली सस्टेन नहीं हुआ, सब हैमर वैमर सब बनाया इसने लेकिन चला नहीं है। करंट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी हम लोग अभी ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एक दिन पहले, तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा, तो बेटर है अभी हम लोग लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेट है? 13th ना, 13th है ना, 13th अप्रैल। ठीक है, 13th अप्रैल एक्सपायरी है। कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल रूल है वही फॉलो करेंगे। मेरे हिसाब से अब की बार कुछ मूवमेंट आने वाला है नहीं, तो नॉर्मल जो रूल है वही फॉलो करेंगे। निफ्टी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, निफ्टी ये लेवल आना ही नहीं चाहिए था, ये अभी मॉर्निंग स्टार बना रहा था यहाँ पे और सडनली कैंडल चेंज हुआ है। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी भेजा है, ट्रेड कर लो, वीकली स्ट्रैटेजी,
बैंक अपनी स्ट्रेटेजी भेजा है, ट्रेड कर लो एंड रिप्लाई द क्वेश्चन बॉक्स डन। भेजा मैंने, ट्रेड कर लो। यस और एक और मैं ट्रेड दे रहा हूं, एक और मैंने ट्रेड दिया बीटीएसटी। सर बिलाल ऑब्वियसली आपके लिए नहीं है, तो बीटीएसटी ट्रेड दिया मैंने और बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी दिया मैंने। मेरे हिसाब से अभी आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने ट्रैप जैसा बनाया है पैटर्न, मेरे हिसाब से आएगा ये 16,000-17,700 के आसपास आ जाएगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी कर लो और सेंचुरी टेक्सटाइल भी मैंने दिया, दो ट्रेड दिया मैंने, ट्रेड कर लो। अभी रैली चालू हुआ, ये देखो इसने लो, पहले लो ब्रेक किया तब शॉर्ट ट्रैप किया है और अभी देखो कैसे ऊपर आना चालू हुआ। नाउ इट विल मूव अप, ये ऊपर जाएगा अभी। 50 पॉइंट का हमें मूवमेंट चाहिए, 50 पॉइंट का। सेंचुरी टेक्सटाइल ट्रेड लिया है और कोई ट्रेड नहीं लिया है, ये ट्रेड नहीं लिया है, थोड़ा वेट करेंगे। अब स्कैनिंग कर लेते हैं, 3 बज गया ना, स्कैनिंग कर लेते हैं एक बार, कोई नया काउंटर आया क्या चेक करते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल ट्रेड लिया है बस। क्या बात है, ओ हो, कंप्लीट रिवर्सल है यार, दो तीन स्टॉक में तो कंप्लीट रिवर्सल है, बहुत गंदा वाला रिवर्सल है दो तीन स्टॉक में। नॉट अ गुड साइन, बहुत गंदा वाला रिवर्सल है। अदानी पोर्ट मॉर्निंग में आज का कैंडल देखो, डेली कैंडल देखो और मुझे बताओ कंप्लीट रिवर्सल है क्या। ये डेली कैंडल है अदानी पोर्ट का, ये देखो अदानी पोर्ट का डेली कैंडल है, क्या रिवर्सल है, 860 से रिवर्स मारा ही है और बहुत जबरदस्त रिवर्सल है इसमें, बहुत जबरदस्त। मतलब ऊपर के लेवल में जो फंसे है ना वो फंसे ही फंसे रह गए ऐसा है। यस इसमें क्लियरली शॉर्ट है, इसमें क्लियर शॉर्ट है अदानी पोर्ट में। मैसेज कर रहा हूं मैं, वेट 1 मिनट, मैसेज किया है मैंने, क्लियर शॉर्ट है ये, 780 तक भी आ सकता है ये भी मैंने मैसेज किया, मैसेज मिला क्या चेक कर लो। हाँ ठीक है, 315 तक ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, चलेगा और कुछ नहीं है। अदानी पोर्ट क्लियर ट्रेड है, अदानी पोर्ट ट्रेड ले लो, क्लियर ट्रेड है एकदम। मैकडॉनल्ड मैकडॉवेल जो है ये इतना नहीं है, बट ये क्लियर ट्रेड है अदानी पोर्ट, एकदम क्लियर ट्रेड है। हैमर बनाता है फिर रिजेक्ट होता है। 15 मिनट का चार्ट देखो निफ्टी में, हैमर बनाया, 3 बार इसने हैमर बनाया फिर रिजेक्ट हुआ है, थर्ड टाइम है ये। तीन बार इसने हैमर बना के रिजेक्ट किया है। दो ट्रेड दिया मैंने, अदानी सेल और सेंचुरी बाय, दो ही ट्रेड दिया है।
ऊपर आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, बहुत वोलेटाइल है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड एक्सपायरी हुआ आज, नॉर्मली ऐसा एक्सपायरी होता नहीं है, मैनिपुलेटेड एक्सपायरी थोड़ा बोल सकते हैं आप। इसमें भी कंप्लीट रिवर्सल है, क्या रिवर्सल है स्टॉक्स में, डीसीबी बैंक में भी कंप्लीट रिवर्सल है, सेंचुरी टेक्सटाइल में भी कंप्लीटली नहीं, सेंचुरी टेक्सटाइल में अभी तक नहीं हुआ है, 910 तोड़ेगा तो रिवर्स होगा, अदानी पोर्ट में कंप्लीटली रिवर्सल है, कुछ कुछ स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त रिवर्सल मारा इसने आज। नहीं मिस्टर बिलाल कुछ मत करो, जो होता है अगर स्क्वायर ऑफ होता है मुझे टोटल पीएनएल बता देना, हम लोग फ्रेश ट्रेड में फोकस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके केस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज मार्जिन नहीं है, मार्जिन कम है, बाकी मिस्टर आंसर व्हाट डू यू से, डू यू थिंक 15,000 लॉस इज अ वेरी बिग लॉस एंड वी कैनॉट रिकवर दैट, व्हाट यू से मिस्टर दिव्य निवार, 12-15 हज़ार रुपए का जो लॉस है निफ्टी स्ट्रैटेजी में, इज दैट अ बिग लॉस वी कैन नॉट रिकवर मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर अंसर, मिस्टर पीवी मूर्ति, एक ट्रेड लगेगा ज्यादा नहीं, एक ही ट्रेड लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इतना वोलेटिलिटी हुआ ना लास्ट 2 दिन में, 18,100 से 17,640 ला दिया, इसीलिए अदरवाइज तो कोई पैनिक होता भी नहीं, अदरवाइज निफ्टी स्ट्रैटेजी वाज परफेक्टली इन अ सेंटर। कर दो मिस्टर बिलाल, ठीक है कर दो, पर आज का एक्सपायरी का ट्रेड है ना, कर दो। टाटा मोटर आई हैव टू चेक, वेट 1 मिनट, टाटा मोटर देखना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम क्या है, कल का जो व्यू है ना निफ्टी का उसमें काफी प्रॉब्लम आएगा, बाय टाटा मोटर तो कोई भी एंगल से नहीं है, नो नो नो, कोई भी एंगल से बाय नहीं है, बिल्कुल भी मत करना बाय, अब कल का जो व्यू है ना उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये ना बुलिश है ना बेरिश है, ये ऐसे लेवल पे क्लोजिंग हो रहा है, टाटा मोटर इज नॉट अ बाय ट्रेड, इसको इग्नोर कर देना, बाय मत करना, शॉर्ट तो करना ही नहीं था ना मिस्टर सचिन, मैंने आपको बोला भी था बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी भी 17,700-750 तक जाएगा, आवर व्यू वाज परफेक्टली राइट, वहां तक हमारा व्यू परफेक्टली राइट था, लेकिन ये जो लास्ट 2 घंटे में इसने वहां से रिवर्स करके 17,640 के आसपास ला दिया ना, वहां पे थोड़ा व्यू रॉन्ग हो गया, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं 17,700 के आसपास, 17,700 के आसपास एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो 50 पॉइंट हमारे एनालिसिस से नीचे एक्सपायर हो रहा है, 50-60 पॉइंट्स,
बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ले लिया, यस और नो प्लीज कंफर्म। बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ले लिया, प्लीज रिप्लाई। मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर अंसर, करेक्ट, ठीक है। कल फ्रेश तरीके से फोकस करेंगे, जो भी एमटीएम है वो अभी हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। एंड जस्ट अपडेट मी द पीएनएल, व्हाट्सएप पे पीएनएल खाली अपडेट कर देना, तो क्या हम लोग फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके ट्रेड लेंगे। सिनारियो बता दो और रेंज बता दो मिस्टर पीवी मूर्ति, इफ यू हैव टेकन द ट्रेड ना, सिनारियो बता दो और रेंज बता दो, मैक्स प्रॉफिट कितना है और रेंज कितना आ रहा है, ठीक है, व्हाट एवर मिस्टर आंसर, मैक्स प्रॉफिट बता दो, रेंज बता दो। हाँ ठीक है मिस्टर आंसर, मुझे व्हाट्सएप कर दो, जो भी लॉस है जो भी ये है मुझे व्हाट्सएप कर दो, सो विल अकॉर्डिंगली प्लान एंड ट्रेड, जो भी नेक्स्ट ट्रेड होगा विल अकॉर्डिंगली प्लान एंड ट्रेड। खाली मुझे ये बता दो, बैंक निफ्टी का रेंज बता दो, मैक्स प्रॉफिट बता दो। कॉन्फिडेंट तो हो ना लॉस रिकवर करने में मिस्टर आंसर, 15-20 हजार का अगर लॉस है तो आर यू कॉन्फिडेंट टू रिकवर दैट लॉस? हाँ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट लूज नहीं होना चाहिए। सी हम लोग ने गैम्बलिंग करके या ऐसे लॉस नहीं किया है, इट्स थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है इसीलिए लॉस हुआ और कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने मैन कैलकुलेशन में थोड़ा एनालिसिस में थोड़ा मिस्टेक किया, मिस्टेक भी नहीं है एक्चुअली। कैसा है कि ये दो कैंडल फॉर्म होने के बाद ना 99% ऑफ द टाइम्स ये गैप फिल करके एक्सपायरी डे के दिन वापस खींचता है, इट इज 99% टाइम, बट ये इसने रिवर्स किया आज, गैप जो है वहां पे सपोर्ट नहीं लिया और वहीं से रिवर्स कर दिया इसने, वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट हो गया, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैक्स प्रॉफिट बता दो मुझे एंड यस ये बता दो मुझे, रेंज बता दो। मिस्टर पीवी मूर्ति स्टेलिंग 2K टू 26K, 26K ही प्रॉफिट है क्या, 26K प्रॉफिट है क्या, मैक्स मैक्स प्रॉफिट कितना है? मैक्स प्रॉफिट चेक कर लो, 26,000 ही है, ठीक है बना लो और चेक कर लो। मैक्स प्रॉफिट 32,000 है, ठीक है मैक्स प्रॉफिट 32,000 है, तो इसका मतलब प्रीमियम इस बार हमें थोड़ा कम मिला है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, नंबर वन। नंबर टू, प्रीमियम कम मिला है, इंडिया विक्स कम है तो वोलाटिलिटी भी कम होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेंज, 35,900 से लेके 39,200 तक रेंज है, ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रेंज, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छा रेंज है। सिर्फ जो हम लोग कल इंट्राडे ट्रेड लेंगे ना वो थोड़ा प्लान करके लेंगे, कल जो इंट्राडे ट्रेड लेंगे वो थोड़ा प्लान करके लेंगे, बिकॉज अब जो निफ्टी का व्यू है ना वो क्लियर नहीं है, अब जो निफ्टी का व्यू है क्लियर नहीं है मिस्टर सचिन, क्लियर नहीं है, बुलिश तो नहीं है, बुलिश तो व्यू नहीं है अब, थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना दिस इज अ नो ट्रेड जोन एक्चुअली, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये सपोर्ट का काम करेगा,
और ये ऊपर तब तक जाए, 17,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता ना, तब तक बुलिश व्यू नहीं है। तो ये जो 200 पॉइंट का एरिया है ना, दिस इज अ नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आपको व्यू बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे व्यू बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? मतलब व्यू लेकर काम मत करना, थोड़ा एनालिसिस करके ही हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा नेक्स्ट जो ट्रेड है, ठीक है? ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे 9:30 को मॉर्निंग वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, सी यू इन मॉर्निंग वेबिनार।